सेंट्रीपिटल एक्सलेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स वैन ए बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ देन इट्स डायरेक्शन चेंज कंटिन्यूसली ठीक है अगर कोई बॉडी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है तो उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहती है अगर उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट भी है तो अगर स्पीड कॉन्स्टेंट भी है तो भी उसकी डायरेक्शन तो चेंज ही होगी हर मोमेंट पर डायरेक्शन चेंज होने का मतलब स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी चेंज कांस्टेंट नहीं है वेलोसिटी में डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं तो वेलोसिटी अगर डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है समझो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो देखो यहाँ इस कंडीशन में वेलोसिटी ये है फिर चेंज हुई फिर यहाँ पर ये यह हो गई तो लगातार वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी ही चेंज हो रही है समय के साथ और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक एक्सलेशन डेवलप हो जाता है तो यहां पर जो एक्सलेशन डेवलप होगा उसकी डायरेक्शन इस सेंटर की तरफ होगी इसलिए इस एक्सलेशन को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सल ठीक तो देखें जरा जिस डा जिस तरह से रेडियस की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है उसी तरह से वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन भी लगातार चेंज होगी तो अगर हम वेलोसिटी और रेडियस का एक ट्रैंगल बना लें ठीक है ये तो मैंने बना लिया रेडियस का रिजल्टेंट ये हो गया इसका और ये हो गया आपका वेलोसिटी का वेलोसिटी भी सेम है तो ये हो गया डेल्टा वी ठीक तो दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर लिख सकते हैं हम यहाँ और वी अपॉन आर सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई की हमने यहाँ पे डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया इसको डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा आर वी अपॉन आर इंटू डेल्टा टी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी ये एक्सलेशन हो गया ए अपॉन डेल्टा आर इज इक्वल टू वी अपॉन आर डेल्टा टी डेल्टा आर को इधर ले सकते हैं हम ठीक है डेल्टा आर को इधर लिया तो ए वी डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इंटू ए आर तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी क्या हो गया वी तो ए हो गया वी इंटू ए वी वी स्क्वायर अपॉन आर वी की जगह आर ओमेगा रख देंगे तो ए हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सलेशन ठीक है सेंट्रीपिटल एक्सलेशन या रेडियल ए आर ठीक आर ओमेगा स्क्वायर ये रेडियल एक्सलेशन हो गया सेंटर की तरफ है इसमें एक टेंजेंशियल एक्सलेशन भी हो सकता है अगर स्पीड इसमें कांस्टेंट ना होकर चेंज हो रही है तो सेंटर की डायरेक्शन में भी जो एक्सलेशन होगा वो ए टी होगा ये ए आर हो गया ये ए टी हो गया तो एक रिजल्टेंट एक्सलेशन निकलेगा ये ए आर रेडियल सेंटर की तरफ ये टेंजेंशियल एक्सलेशन है ए टी तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ए वो पैरलोग्राम थ्योरम से हम फाइंड कर सकते हैं ए बराबर ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर का अंडर रूट ठीक है हम इस तरह से टेंजेंशियल और रेडियल एक्सलेशन यानी सेंट्रीपिटल एक्सलेशन को डिफाइन कर सकते हैं तो अगर ये रेडियल एक्सलेशन है सेंटर की तरफ और ये टेंजेंशियल तो इनकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी रिजल्टेंट की ठीक है कुछ इस तरह से होगी तो ये तो हुआ सेंट्रिपिटल एक्सलेशन अगर हम फोर्स की बात करें तो एफ बराबर होता है एम इन टू ए ए है वी स्क्वायर अपॉन आर तो सेंट्रिपिटल रोक फोर्स बन गया एफ इजिकल टू एम वी स्क्वायर अप आर यानी सेंटर की तरफ काम करने वाला फोर्स ठीक है जैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है तो सन के डायरेक्शन में आ, अर्थ पर एक फोर्स लग रहा है जिसकी डायरेक्शन है सन की तरफ तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है यही फोर्स मो, र, 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 सर्कुलर मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ठीक है जब हम भी कहीं सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं तो हमें सेंटर की तरफ एक फोर्स अप्लाई कराना होता है तो उस कंडीशन में ही हम घूम पाते हैं ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स थैंक यू